अस्सलाम वालेकुम, हिना की रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं ये वाली चीज़ जो घुटने बोलो, कमर दर्द या हो या खून की कमी हो, इन सब के ऊपर रामबाण आप घर का होममेड इलाज दवाई गोली खाने से। तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो ये बड़ों से लेके छोटों से सबको गुणकारी, मतलब एक ऐसी ही है और ये किसको पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी। तो ये देखने में भी इतनी खूबसूरत हो तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और चारुले ये मैंने भिगो के सुखा के कट करके रखे हुए हैं। ये कम से कम मैंने सब 100-100 ग्राम लेकर उसको अच्छे करके हमने रखे हुए थे। फिर मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हुए हैं, ये देखो 25 ग्राम पम्पकिन ये है। ये मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हुए, ये मैंने 20 ग्राम ही लिए हुए। और मेरे पास नारियल नहीं था तो मैंने घर पे ही सूखा नारियल के मिक्सर में पीस के एक बुरादा बना दिया है इसका, ये रेडी कर दिए है। थोड़ी सी मैंने खसखस ली हुई है और ये देखो। और मैंने सबसे मेन बात, जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है इसमें का हमारी, ये है गिल्ले खजूर। देखो ये मैंने कम से कम 175 ग्राम लिए हुए हैं। अब इसके हम सारी इसके बीज पहले सबसे पहले निकाल देंगे। ये देखिए मैं सब इसके पहले पहले बीज निकाल देती हूँ। और इसको हाथ से भी छोटे छोटे टुकड़े करें तो भी चलेंगे, या फिर मिक्सर में आप मिक्सर में तो ना करिए, मिक्सर में होते ही नहीं है, या फिर आप चाकू से भी उसको छोटे छोटे कट कर सकते हैं। मैंने देखो कढ़ाई ली है गैस के ऊपर, अभी कढ़ाई भी गर्म हो रही है। मैं उसमें सिर्फ एक चम्मच ही घी डालूँगी। मैं एक चम्मच घी डालकर उसमें हम अभी क्या करेंगे, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स है वो पहले से हम इसमें से अच्छी तरह रोस्ट करके लेंगे। ये देखिए घी भी अच्छी तरह से गर्म हो रहा। सबसे मेन बात पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स ये जो है ये हमारे बालों के लिए और हमारे पूरे बॉडी के लिए सबसे बहुत गुणकारी है। हेयर फॉल होना, डैंड्रफ हो जाना, और वर्किंग वूमन जो है उन्हें तो कुछ ये चीज़ खाने के लिए, लेकिन ये आप ड्राई फ्रूट्स बना के घर में रखोगे और रोज़ दिन में से एक दफ़ा भी खाओगे तो सबसे अच्छे बेहतर है। तो इसीलिए घर में आप संडे के दिन छुट्टी होगी तो आप ज़रूर बना सकते हैं। तो इसमें मैं अभी पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डालकर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखो मैंने पम्पकिन सीड्स में डाल दिए हुए हैं। अभी इसमें मैं सनफ्लावर सीड्स भी डाल रही हूँ, इसको मगज़ बी भी कहते हैं। ये मैं अच्छी तरह से घी में भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। हमें ये बहुत अभी के फ़िलहाल में कोविड की जो सिचुएशन होके गई है इससे हमें ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मतलब दवाई गोली खाने से ये करने से हम ये ड्राई फ्रूट्स हर 15 दिन के एक वन वीक के बना के रखोगे तो अपनी फैमिली ही सेहतमंद रहेगी। इससे अच्छे है कि ये आप घर में हमेशा बना के रखिए ना, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 10 मिनट का काम है, सिर्फ भूनना है और उसके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। देखो मैंने ये अच्छी तरह से भून लिए हुए, अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। अभी मैं इसे निकाल देती हूँ पूरी तरह से अच्छे रोस्टर। अभी मैंने वापस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी है उसमें और डालती हूँ। ये देखो मैंने पूरे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे मैं इसमें काजू, बादाम, चारोला, पिस्ता और इसमें मैंने सबसे मेन बात सूखे खजूर भी भिगो के कट करके सुखा के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हुए हैं। उसमें भी सबसे मेन बात बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमें तो ज़रूरी है। ये भी मैं अच्छी तरह से उसमें रोस्ट कर ले लूँगी बहुत अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से मतलब ये हो रहा, ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डालकर उसको और भी थोड़ा सा रोस्टेड कर लूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए अभी मैं अच्छी तरह से अभी ये भी हमारे अच्छे गोल्डन होने तक हमने अच्छे मतलब लाल हो गए, इसका कलर भी अच्छा हो गया और घी की वजह से खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी उसी कढ़ाई में मैं वापस थोड़ा सा लाइटली घी डाल लूँगी और उसमें मैं जो अपना दरदरा हो मैंने खोबरा जो पीस कर लिया था, खोबरे का बुरा था, वो मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी उसमें। ये भी बहुत अच्छा है आप हमारे सेहत के लिए।
इससे स्किन भी अच्छी होती है, ग्लो आता है। जिसकी ड्राई स्किन होती है उसको ऑयल मिल जाता है और नेचुरली इतनी हेल्दी और अच्छी स्किन हो जाती है कि बाद में उसमें मेडिकल में की कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम इतने अच्छे ड्राई फ्रूट्स हम हमेशा खा लेंगे तो। और ये मैं भी अच्छी तरह से ये अभी थोड़ा सा सॉटे करके थोड़ा सा लाइटली मैं उसको भून लेती हूँ। नारियल तो गिल्ला नारियल भी खाना बहुत अच्छा होता है, स्किन में इतनी ग्लोइंग आ जाती है और ये करने से खून भी बढ़ जाता है इससे, तो नारियल तो चाहिए इसमें। अभी मैं ये भी अच्छी तरह से भून दिया है, अभी मैं ये भी निकाल दी। इसका सिरा सिर्फ हमें कच्चापन निकालना था, हमने निकाल दिया है। अभी मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और आधा चम्मच घी डाल देती हूँ। और जब से सबसे मेन बात अपना जो ये इंग्रेडिएंट था वो था गिल्ले खजूर। गिल्ले खजूर हमें बहुत है कि इसमें खून बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है हमारी अच्छी तरह से, और ये हर मतलब बीमारी का इलाज है। तो ये चाहिए चाहिए जो अभी से वर्किंग वुमन जो है इन्हें तो ये बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं आजकल के बच्चों में लेडीज़ में हर इसमें एक कमियाँ है कि खून की कमी है, कमज़ोरी है, आँख की रोशनी थोड़ी सी कम हो रही है और हमेशा बीमार गिरते हैं। आजकल का वायरल इन्फेक्शन भी इतना हो रहा बच्चों को, तो ये ड्राई फ्रूट तो बहुत ही अच्छे हैं। अभी मैंने भी इसको थोड़ा सा ये इसमें घी में सॉटे कर लिया है। ये सिर्फ देखो 2-3 मिनट में ही मतलब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल से हमें सॉफ्ट करके लेना है। वो देखिए आप अच्छी तरह से ये मैंने सॉफ्ट कर ये सॉटे करके लिए हुए और अच्छे आप देख सकते हैं, हाथों से भी देख सकते हैं कि तुरंत ये मैश हो जाते हैं। अब देखिए ये मैंने अच्छी तरह से देखो हाथ में देखे तो तुरंत पता चल जाता है, देखो इतने सॉफ्ट हो गए वो। अभी हम इसमें देखिए अच्छी तरह से हमारा जो हमें जैसा मतलब उसका टेक्सचर चाहिए था गिल्ले खजूर का, वो हमें जैसा चाहिए वैसा मिल गया है। अभी मैं साइड में थोड़ी सी जो खसखस थी वो भी मैं जस्ट रोस्टेड कर लूँगी इससे। ये देखिए एक ही साइड में पूरी तरह से रोस्टेड कर लूँगी, ये एक साइड में, ये देखिए यहाँ से हम अच्छी तरह से उसको रोस्ट कर लेंगे। और उसमें मैं अभी क्या करूँगी, जो हमने पहले फ्राई कर मतलब घी में जो भून के ड्राई फ्रूट्स रखे थे अभी हम एक साथ में पूरी तरह से सब मिक्स करके सिर्फ 1 या 2 मिनट अच्छी तरह से वापस भून लेंगे। ये मैंने पूरे हैं जो भून कर रखे हुए थे अभी इसमें हम सब एक साथ मिक्स करके गिल्ले खजूर में हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखो ये देखिए मैंने सब अच्छी तरह से इसमें भी मिक्स कर रही हूँ। ये जो लड्डू है बहुत ही सेहतमंद लड्डू है हर बीमारी में ये, और जो न्यू मदर होती है इसको तो काफ़ी मतलब उन लेडीज़ को तो काफ़ी अच्छे है कि अभी से वो खाएंगे तो कमर दर्द या घुटनों में दर्द होता है, जो कमज़ोरी होती है वो नहीं होता। अभी हम कढ़ाई में से एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और जस्ट हम थोड़ा सा लाइट ठंडा होने के लिए देंगे क्योंकि घी भी गर्म है और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी गर्म हो चुके हैं ना, तो हमें जल्दी से हाथ में मतलब चटका बैठे जैसे होगा तो हम थोड़ा सा लाइटली उसको ठंडा होने देते हैं और फिर बाद में हम उसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी ठंडा हो गया है तो इसको मैं देखो अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सभी, काफ़ी मतलब ज़्यादा ये नहीं, थोड़ा सा गुनगुना है ये पूरा मिक्सचर, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो हाथ को तकलीफ हो जाए। अभी देखिए सब अच्छी तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स गीले खजूर में अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अभी हम आपको जैसे चाहिए उसमें छोटे बड़े ये जैसे आपको शेप चाहिए या फिर जैसे आपको छोटा बड़ा लड्डू का जो ये चाहिए वो आप वैसे बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे लड्डू बनाकर अभी बना लेती हूँ सभी के। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं और एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं आप देख सकते हो, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि घी की भी और सारे ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छे भुने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी तरह खुशबू आ रही है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं तो मैं हमेशा 10 या 12 दिन के मैं हमेशा लड्डू बनाकर ही रख देती हूँ। ये ज़्यादा 10-12 दिन तक अच्छी तरह से रह जाते हैं डिब्बे में, तो रोज़ सुबह में स्कूल में जाते समय मैं मेरे बच्चों को और मैं खुद भी खा लेती हूँ क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ तो मैं ये खा लेती हूँ। देखिए ये अभी हम क्या करेंगे सब इसके हम ऐसे लड्डू बनाकर रेडी कर देंगे। ये देखिए तो देखिए ये लड्डू मेरे पूरी तरह रेडी हो गए हैं। कम से कम 25 से 30 से 28 लड्डू मेरे
रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरह से लड्डू भी तैयार, और खाने में तो इतने अच्छे लग रहे कि पूछो मत। ये देखिए मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए अंदर से भी इसका स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा लग रहा है कि पूरे ड्राई फ्रूट्स एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से मिले हुए। ये देखिए आप ही देख ही सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू। आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाइए और ज़रूर आपके फैमिली को खिलाइए, और ज़रूर आप ये घर में हमेशा बना के ही रखिए। और ऐसे ही कुछ और रेसिपीज़ आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो मैं नई नई रेसिपीज़ की आपको लिंक मिलते जाएगी। तो देखिए अंदर से भी कितने अच्छे माशाल्लाह लड्डू लग रहे हैं, और इतने सॉफ्ट भी हो गए हैं कि बूढ़े लोग भी खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से लड्डू मेरे बन गए। थैंक यू।